कोरोना वह शब्द जिसने 2020 को हम सबके लिए काफी चिंताजनक बनाया है। विश्व का प्रत्येक वो कोना जहां पर जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है, धूप पहुंचती है, कोरोना ने वहां पर दुष्प्रभाव छोड़ा है। शिक्षा जगत भी उससे अछूता नहीं रहा। शिक्षा में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर कोरोना की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया में अव्यवस्थाओं के चलते बहुत सारे स्ट्रगल्स चल रहे हैं हमारे प्रदेश में, और हमारे देश में भी इसका कुप्रभाव शिक्षण संस्थाओं पे और बच्चों के जीवन पे पड़ा है। शिक्षा व्यवस्था का अपरिहार्य अंग होने के कारण विद्या प्रकाशन मंदिर ने अपना एक दायित्व समझा है। उस दायित्व के चलते हम लोगों ने अपने यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए ई विद्या मास्टर क्लासेस का 2 दिसंबर से आयोजन किया था। ये सोचते हुए, ये दिमाग में रखते हुए कि जो बच्चे अपनी रेगुलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर विद्यालयों में नहीं जा पाए हैं और अपनी पढ़ाई को एक नियमित रूप से नहीं देख पाए हैं, एक नियमित रूप से नहीं कर पाए हैं, उनको इस वाली क्लासेस से कुछ सहयोग मिलेगा। अपनी अगली इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला की अगली कड़ी में आज का कार्यक्रम परिचर्चा का भी आयोजन किया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे शिक्षाविद आपके बीच में आ जाए हैं, जिनका परिचय मैं आपसे अभी थोड़ी देर में कराऊंगा, और वो आपकी उन तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे जो आपने हमें लिखी हैं। हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, समय है आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करने के लिए। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का। जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक का जलना धर्म है। जब गीत गाना गुनगुनाना जुर्म हो, तब गीत गाना गुनगुनाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। आदरणीय चेयरमैन साहब श्री सुरेंद्र कुमार जैन जी, आर मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सौरभ जैन जी, आर गेस्ट स्पीकर्स ऑफ द टुडे डॉक्टर सतवीर सिंह जी, श्री उपेंद्र चौधरी जी, डॉक्टर प्रीति सिंह जी, सभी हेड्स, टीचर्स और वो विद्यार्थी जो हम लोगों में इस परिचर्चा के थ्रू ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, मैं आप सब लोगों का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम आपके लिए, कार्यक्रम का नाम पुराना, चेहरे नए, सवाल नए, पर ये सब चीजें आपके लिए, आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। मैं आप लोगों का आज के अपने अतिथियों का परिचय करा दूं, जिससे कि आप जान सकें कि वो अपने कितने बिजी स्केड्यूल से अपना समय निकालकर आज हमारे ई विद्या स्टूडियो में आए हैं आप लोगों के उन क्वेश्चंस को, उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, जिसे देखकर, जिसे महसूस कर आप लोग विचलित हैं। डॉक्टर सतवीर सिंह जी का मैं परिचय पहले आपसे करा दूं जो हमारे मध्य हैं। सर SN इंटर कॉलेज पिलाना में प्रिंसिपल हैं। सर ने अपनी PhD एजुकेशन में शिक्षा शास्त्र में की है। सर एक बहुत लंबा अनुभव रखते हैं और एक्सपर्ट हैं गणित विषय के, मैथमेटिक्स के। सर ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जो कि टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफी काफी मददगार हैं, गणित विषय को पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए। सर SCERT, NCERT एंड यूनिसेफ में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर भी जुड़े हैं और काफी समय से ये अपने टीचर्स को, स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। सर के 20+ रिसर्च पेपर्स एंड मोनोग्राफ्स भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं। सर वी प्राउड टू हैव यू इन टुडेस प्रोग्राम। अब मैं जिस हस्ती से आप लोगों का परिचय कराना जा रहा हूं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, श्री उपेंद्र चौधरी जी, जो डायरेक्टर हैं श्री राम शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज के। श्री राम शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज वो नाम है जो पिछले 2 वर्ष से प्रदेश को टॉपर्स दे रहा है। टॉपर्स वो जिन्होंने ना कि इस इलाके वेस्टर्न यूपी का नाम रोशन किया है, बल्कि बहुत अच्छे अंक लाकर अपने विद्यालय का, अपने अभिभावकों का, अपने शिक्षकों का, सबका मान बढ़ाया है। सर के यहाँ से 2019 की टॉपर तनु तोमर क्लास 12th को टॉप की थी, पूरे उत्तर प्रदेश को टॉप की थी। क्लास 2020 में रिया जैन, जिसने 10वीं कक्षा को प्रदेश में टॉप किया था, और अनुराग मलिक, जिसने कक्षा 12वीं में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप किया था। सर को 14 साल से भी ज्यादा अधिक एक लंबा अनुभव है किस तरह से विद्यालय को चलाना चाहिए, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए,
टीचर्स को किस तरीके की मेथडोलॉजीज को अपनाना चाहिए जिससे कि वो टॉपर्स को प्रोड्यूस कर सकें। इसी तरीके से सर जो हैं अपने गणित विषय के ही एक्सपर्ट भी हैं और एक लंबा अनुभव रखते हैं। सर वी आर ऑनर्ड टू हैव यू डॉक्टर। अब मैं साइंस की ही एक नेक्स्ट एक्सपर्ट जो हमारी तीसरी आज की एक्सपर्ट है डॉक्टर प्रीति सिंह जी, उनसे आपका परिचय करा दूं। मैडम जो है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। मैडम का एक लंबा अनुभव और शिक्षा का जो क्षेत्र है वो केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र बहुत खतरनाक चलता है, इक्वेशंस जैसे जैसे आगे पीछे चलती हैं, मैडम बड़ी सरलता के साथ अपने बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को उनको याद कराती हैं, पढ़ाती हैं और केमिस्ट्री में एक लंबा अनुभव रखती हैं। मैडम 12 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस एज अ प्रिंसिपल इस स्कूल के अंदर रखती हैं। मैडम को एक सम्मान जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने अंडर मिशन महिला सशक्तिकरण से भी नवाजा है, जो कि मैडम ने अपना इस क्षेत्र के अंदर काफी काफी सारा सहयोग किया। मैम वी आर ग्लैड टू हैव यू हियर। अब आज का कार्यक्रम शुरू होगा। आपके द्वारा जो दिए गए प्रश्न हैं मैं एक एक करके अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप बड़े ध्यान से उनके आंसर्स को सुनेंगे, सुनने के बाद उनको नोट करेंगे और अपनाएंगे। सर आज का कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। Sure. तो पहला क्वेश्चन मैं अपने जो आज के स्पीकर हैं डॉक्टर सतवीर जी उनसे पूछने जा रहा हूं। सर प्रश्न बड़ा अच्छा और काफी महत्वपूर्ण है। वो बच्चे जो कि इस बार हाई स्कूल का इम्तिहान दे रहे हैं, दसवीं का इम्तिहान दे रहे हैं, उनको इम्तिहान देने का कोई प्रयास पहले नहीं रहा। जब वो नवीं कक्षा में थे, नवीं कक्षा में जब उनके इम्तिहान होने वाले थे तब ये कोरोना महामारी आ गई जिसके वजह से उनको वो अभ्यास छूट गया। अब कक्षा दसवीं के अंदर उन्होंने पूरे साल कोई इस तरह से होम एग्जाम्स नहीं दिए जिसमें वो प्रैक्टिस कर पाते, तो उनका तो सीधा सामना, अधिकतर बच्चों का सीधा सामना प्रदेश की जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी उसी में होंगी। उन बच्चों को अपने आप को किस तरीके से तैयार करना चाहिए कि वो पहली बार में ओपनर बैट्समैन की तरह से सिक्स लगाएं और अच्छे अंक लाएं। ओवर टू यू सर। जी जी धन्यवाद सर। पहले तो सभी दर्शकों का पूरे कार्यक्रम में स्वागत है और जैसा सर ने प्रश्न किया है मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ इस बात से। एक तो पहली बार वो बोर्ड परीक्षा देंगे, दूसरी साथ में इस कोरोना की वजह से उनकी क्लासेस फेस टू फेस नहीं हो पाई हैं, इसके चलते भी थोड़ी सी मुश्किलें उनके सामने हैं। लेकिन एक छोटी सी बात से मैं शुरू करूँगा कि जब भी कोई आपत्ति आती है तो अगर हम तैयार नहीं हैं तो ज़्यादा मुश्किलें लगती हैं। कोरोना के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे, बिल्कुल आपत्ति है, लेकिन कहीं बाद में जाकर के जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि कोरोना का धन्यवाद भी कभी कभी हम लोग मन से करेंगे। 10 साल आगे देश को पहुंचा दिया, आप तक हम जुड़ पाए, शायद ये कार्यक्रम कोरोना की देन होगा ऐसा मुझे लगता है। कहीं तो हमारे दिमाग में प्लान नहीं था पहले भी, लेकिन अभी डिजिटल होने के नाते हम आपसे बात भी कर रहे हैं रूबरू, तो कोरोना का धन्यवाद भी हम कभी कभी करेंगे। जो प्रभाव और दुष्प्रभाव की सर ने बात की थी, प्रभाव यही है कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, शायद मैं भी जूम ऐप के बारे में, वेबएक्स मीटिंग्स के बारे में, गूगल मीट के बारे में या स्काइप्स के बारे में बहुत कम जानता था, लेकिन अब हम लोग यूज टू हो गए हैं। तो आपके साथ भी जैसा सर ने कहा कि पहले इस तरह का कोई एग्ज़ाम नाइन्थ में, तो शायद कहीं हमारे 50-60% एग्ज़ाम्स नाइन्थ के हो गए थे रोहित सर तब तक, तो ये अनुभव है। लेकिन अगर नाइन्थ के एग्ज़ाम नहीं भी हों तो हाफ ईयरली नाइन्थ के एग्ज़ाम सबके हुए थे और 8 तक हम लगातार पेपर देते आ रहे हैं। तो बच्चों आपको पता ही है कि इस तरह का एग्ज़ाम होता है। एक बच्चे से मेरी बात हुई थी तो मैंने उसे कहा कि बोर्ड एग्ज़ाम है, कह रहा हर साल ही तो एग्ज़ाम देते हैं सर, तो इट्स अ रूटीन पार्ट, बिल्कुल डरने की ज़रूरत होती ही नहीं उसमें, ये आपके रूटीन का पार्ट है। पहली क्लास से आप एग्ज़ाम ही देते आ रहे हैं, चाहे वो मैं क्लास में आपसे सवाल पूछता हूँ या आपके टीचर जब भी आपसे कोई सवाल पूछते हैं वो भी एक तरीके का मौखिक एग्ज़ाम आपका होता ही है। ये लिखित एग्ज़ाम है जो हर साल के सत्र के अंत में आप देते ही हैं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये बहुत आसान है, बहुत फेमिलियर, और इस बार आपका कोर्स थोड़ा सा और कम भी हो गया है कोरोना के चलते, पेपर्स में सवाल भी शायद आसान वाले होंगे, तो आपके लिए मुझे लगता है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, यू कैन स्कोर मोर। दूसरी बात ये कि सीखें कैसे और करें कैसे, उसके लिए आपको तैयारी कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक तो प्रीवियस पेपर्स ज़रूर देख लें, नंबर एक। दूसरा,
घड़ी रखें, टाइम बाउंड एग्जाम घर पे देना होगा क्योंकि टीचर्स शायद आपके साथ उतना नहीं रह पा रहे हैं जितना उनको होना चाहिए था, जितना हम लोगों को आपके साथ होना चाहिए था उतने हम आपके साथ अब शायद नहीं हैं। लेकिन चूंकि एक हफ्ते में एक बार भी, अब तो नाइन्थ की क्लासेस भी चल गई हैं, टेंथ की चल गई हैं, सारे क्लासेस ओपन हैं, बट प्रीवियस एग्ज़ाम अगर आप दे पाते हैं वो भी टाइम बाउंड रखे, तो घड़ी रखें, बिल्कुल स्टार्ट करें, पेपर दें और वो पेपर ले जा करके अपने टीचर को आप सौंपाएं, सर ये मैंने लिखा है, इसमें क्या कमी है और मेरे लेखन कौशल में क्या दिक्कतें हैं आप मुझे बताएं। इसको दूर करने के बाद जब आप अगली बार पेपर देंगे तो समझ जाइए 20% पेपर आप कर चुके होंगे जो आपको बहुत इजी लगने वाला होगा। दूसरी बात, लिखें कैसे, वो आपके अध्यापक आपसे ज़रूर बात करेंगे। एक और बात, CBSE की साइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको मॉडल आंसर शीट मिलने वाली है रोहित सर, वहाँ अपलोडेड है, जिन बच्चों के 100 मार्क्स आए होते हैं उनकी सीट्स को अपलोड किया जाता है। सर यूपी बोर्ड के बच्चों के बारे में क्या बोलते हैं, वो कहां पर मिलेंगे? बता रहा हूं सर, जो आंसर शीट्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं उनके पास, जो उन्होंने लास्ट ईयर जो एग्जाम दिया है बच्चों ने, उन बच्चों के जो, जैसे नाइन्थ में आपने भी एग्जाम दिया होगा, दूसरे बच्चे ने भी दिया होगा, या फिर टेंथ में जो एग्जाम आपने दिया है उस बच्चे की, हमारे पास अर्धवार्षिक की जो रिकॉर्ड है वो मेरे स्कूल में ही उपलब्ध होता है। तो अगर हम मानक रूप में एक हम बना लें या एक ऐसा ग्रुप तैयार करें जिसमें से 5 बच्चों ने कॉपियां बनाई और हमने लिखी और अपने टीचर्स के पास ले जाके वो दे दी, तो जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स आने की उसमें संभावना है या आए हैं, उसको अगर हम अपने स्कूल लेवल पे भी मानक मान लें और सारे बच्चों के लिए उसको हम व्हाट्सएप के जरिए, तो ये जो भी माध्यम हम यूज कर रहे हैं उस पर अपलोड कर दिया जाए क्लास टेंथ के बच्चों के लिए कि हम अपने सवालों को इस तरह से लिख सकते हैं आफ्टर मॉडिफिकेशन एंड आफ्टर सजेशन बाय द टीचर्स, जो टीचर सजेशन कर रहे हैं। तो एक हम मान लिया ग्रुप में कोई पेपर कर भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक और बात आती है कि पीयर स्टडी और ग्रुप स्टडी हम ऑनलाइन ग्रुप्स बना सकते हैं, जिसमें एक बड़ी बात ये भी रहेगी कि मैं जिस बात को जानता हूँ और जिसको नहीं भी जानता हूँ तो मैं दूसरे से सवाल पूछ लूँ, दूसरा मुझसे सवाल पूछ ले, आज मुझे नहीं उत्तर मिलेगा तो मुझ में जिज्ञासा जगने वाली है। बच्चों ये लर्निंग का सबसे पहला बिंदु है और आप शायद धीरे धीरे दूर होंगे, जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल्स हैं, दीक्षा ऐप के बारे में बात की, एक दिन मुझे मेरे मन में आया कि दीक्षा ऐप है क्या। अब सबको लगता है कि हिंदी का वर्ड होगा दीक्षा, दीक्षा से जुड़ा होगा, बहुत सारे लोगों को अनभिज्ञता है इस तरह की, लेकिन जब मैंने इसका एब्रिविएशन देखने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इंग्लिश के 4 वर्ड से मिलकर के छोटा सा निकला दीक्षा, लगता हिंदी का वर्ड है, बहुत अच्छा सा वर्ड लगता भी है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, शेयरिंग से SHA आया है, नॉलेज शेयरिंग से, तो ये मेरी जिज्ञासा थी जिसे मैंने शांत किया। तो ऐसे ही आप अपने मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं पालें, जिज्ञासु जरूर बने, और जैसे ही आप में जिज्ञासा आएंगी, अब उन जिज्ञासाओं को शांत करने के तरीके आपका टीचर हो सकते हैं, इवन ऐसे प्रिंसिपल मैं भी हो सकता हूँ, आपके साथी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फैमिली के जो भी आप, जिसे हम एजुकेशन की भाषा में MKO बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, ये वाइगोत्स्की की थ्योरी है एजुकेशन में, MKO वहाँ उन्होंने एक टर्म यूज करी है। तो बच्चों आपके लिए हर वो व्यक्ति जो आपकी मदद कर दे वो MKO है आज के टाइम में। अब वो कोई भी एकेडमी का कोई भी ऐप हो सकता है, नेट हो सकता है, गूगल बाबा हो सकते हैं, लेकिन गूगल से सर्फिंग करने के दौरान आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि आपके टीचर्स की सहमति आप जरूर एक वीक में जा करके लें, सर ये ठीक है या नहीं है, या ये मेथड ठीक है या नहीं है। तो टीचर्स के टच में आपको लगातार बने रहना होगा, समय अभी उतना कम नहीं है जितना आपको लग रहा होगा, लेकिन पेपर्स की तैयारी आप पहले से करते आए हैं और हम लोग भी पर्सनल लेवल पे अपने टीचर्स को ये गाइडलाइन दी होती है हमने कि जब आप बोर्ड एग्जाम, जो पेपर आप बना रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम के पैटर्न का ही पेपर लें, उसमें उसी तरह का सेगमेंट्स हों, जितने उसके पार्ट होंगे वही सवाल होंगे, उसी तरह का पैटर्न होगा। तो जिस पैटर्न को आप बच्चों फॉलो करते आ रहे हैं सेम पैटर्न आपको आएगा, और कहीं आपने देखा भी होगा क्वेश्चन बैंक्स भी अवेलेबल होते हैं, वो भी उसी तरह का फॉर्मेट एक मॉडल टेस्ट पेपर के रूप में आपके पीछे रखते हैं, और उस मॉडल टेस्ट पेपर को जब आप सॉल्यूशन में जाएंगे तो आपको लग जाएगा कि कितना टाइम किस एरिया में लगने वाला है। तो टाइम मैनेजमेंट पे भी हम लोग बात करेंगे अभी आपके साथ, लेकिन यहाँ जो रोहित सर का सवाल था कि पेपर, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, रोज का काम है, क्लास में 10 सवाल हम रोज आपसे पूछते हैं, कॉपी में सवाल के उत्तर आप लिखते रहते हैं, बशर्ते कि आप अपनी कॉपी को जरूर अपने टीचर से एवेलुएट कराएं, उनसे असेस कराएं कि सर मैंने लिखा है।
अब लिखने के पैटर्न की बात पे डिपेंड करता है कि आप एक ही बात को बहुत लंबा लिख सकते हैं या वो प्रश्न पे सर आगे आएंगे लिखने वाले पे। तो पहले वाला जो प्रश्न हमने सर से पूछा था, तो दसवीं के बच्चे इस चीज को जरूर मान लें कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग परीक्षारत हैं ही, बार बार परीक्षाएं आपने दी ही हैं, उसी प्रकार का एक ये दसवीं का परीक्षाएं भी होगा। मैडम इसमें कुछ एड ऑन करना चाहेंगी आप? पहले तो विद्या प्रकाशन मंदिर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। जैसा कि सर ने कहा कि बोर्ड से डरने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली बोर्ड का जो आपका जो पैटर्न होता है ये सब बच्चों के लिए होता है। इसमें ये होशियार बच्चे जो क्रीम लेयर होती है उससे बीच वाले बच्चे लोअर, बोर्ड इस तरह से पेपर तैयार करता है अपने कि हर बच्चा पासिंग मार्क्स ले आए। उसमें ऐसा नहीं होता कि हर बोर्ड का पैटर्न कि बहुत टफ पेपर आए, नहीं, हर तरह के बच्चे होते हैं कि जो पासिंग मार्क्स ले आए अपने, और इतना रिलायबल बनाते हैं उसको पाठ्यक्रम के आधार पर। एक तो टाइम 3.25 घंटे, 3 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट आप पढ़ें पेपर, पहले जल्दबाजी होती थी, और उसी के पैटर्न में जो हम लोग एग्ज़ाम कराते हैं, जैसे कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट करें हमने, तो हमने जो 10th 12th के बच्चों के एग्ज़ाम रखे तो उसमें मैं 2.25 घंटे देना शुरू किया मैंने अपने कॉलेज में जो मैं रखती हूँ। जैसे और 11th का 9th का पेपर बेशक 3 घंटे का हो, लेकिन मैंने उसको 15 मिनट आप पढ़ो और 2 घंटे में आप अपने पेपर को सॉल्व करो। वो उसी पैटर्न पर हमने रखा जिस पैटर्न पर बोर्ड का आता है, उसी तरह से टीचर्स ने बना रखा है पेपर कि जैसे बोर्ड में उसी तरह से आपके बहुविकल्पीय होंगे, अति लघु होंगे, लघु होंगे, उसी पैटर्न पे होगा। वैसे भी 30% कोर्स अब कम कर दिया बोर्ड ने अपने नॉर्मल पाठ्यक्रम में से, तो जिससे बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस हो। अभी हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी हाफ ईयरली चल रहे हैं, मानो छूट भी गया आपका 2 घंटे में, कोई पेपर छूट गया तो आपको लगेगा कि हाँ मैं तो इस तरह से इसको लिखना चाहिए था। इसके फिर इसके बाद हम लोग ये चाहेंगे कि प्री बोर्ड लें। लास्ट ईयर से बोर्ड ने कहा कि प्री बोर्ड्स दिए जाएँ हाई स्कूल इंटर के बच्चों के, तो मैंने अपने कॉलेज में 2 बार प्री बोर्ड दिए, सिर्फ 10th और 12th के लिए। एक बार जनवरी लास्ट में कराएंगे, इस बार पेपर हमारे लेट हैं तो एक बार फरवरी में कराएंगे, जिससे बच्चे अब 3 बार उसी फेज में आप उसी से निकलेंगे बच्चे, तो उनमें इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों को कि वो उस पेपर को आराम से 3 घंटे में सॉल्व आउट कर लेंगे। जैसे कि टू द पॉइंट पेपर, सटीक वर्ड्स होने चाहिए और जो चीज़ पूछी गई है वो। आजकल कॉपी भरने और पेपर भरने और पेज भरने वाला टाइम चला गया कि 6 पेज का 5 पेज वाला था, टू द पॉइंट आंसर लिखिए उसका क्या है आंसर। तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट भी है, टीचर से भी है, बच्चे से भी मेरा अलग से रिक्वेस्ट है कि बेटे आप लोग नोट्स की बजाय, जो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस मानती हूँ, बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि नोट्स की बजाय आप पढ़ने के आप क्वेश्चन आंसर के तरीके से पढ़ो, जिससे आपको ये पता रहे कि हमें कितना लिखना है। आप पैराग्राफ आपको दे रखा है, आपको पैराग्राफ दे रखा है पूरा, आप उसमें से सही चीज़ नहीं छांट सकते। आप उसका आंसर याद करोगे तो आप उसमें सब चीज़ आ जाएंगी आपकी। आप इतनी सारी चीज़ों में से एक चीज़ निकालना मुश्किल है। आप टू द पॉइंट याद करोगे उसे कि इसका आंसर इतना होना चाहिए, आप उसी को याद करोगे। हमने पूरा ऐसे याद कर लिया, उसमें से आपके 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हमने बनाए तो उसमें से कुछ छूट जाएगी हमारी। यदि हम उसके क्वेश्चन के आंसर बना बना के याद करेंगे तो वो बहुत अच्छा भी रहेगा, टू द पॉइंट रहती है चीज़ें, आपको पूरे मार्क्स उसमें से। आजकल एग्जामिनर्स जो देखते हैं वो आपके कॉपी भरे और पेज भरे को नहीं देखेंगे, हम लोग खुद चेक करते हैं कॉपियाँ, तो हम देखते हैं कि बच्चे ने वो चीज़ जो हमें चाहिए वो दे रखी है या नहीं दे रखी। एक पूरे पेज का आंसर लिखने वाला बच्चा भी नंबर नहीं दे पाता, 3 लाइन में लिखेगा तो उसके नंबर उतने आ जाएंगे, क्योंकि हमें जो चाहिए फंडामेंटल्स जो उसने लिख रखे हैं वो उसने पूरे दे रखे हैं। तो आप सबसे ये पेरेंट्स से भी, टीचर्स से भी और बच्चों आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर की पद्धति इस्तेमाल करके करें, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग पीरियड्स में भी क्वेश्चन आंसर की पद्धति को ही माना जाता है, जिससे कि बच्चे अपना पूरा फोकस रहता है, फिर वो भूलता नहीं है उसको। की नोट तैयार करें, छोटे छोटे आंसर से तैयार करें, और सबसे बड़ा बी पॉजिटिव, अच्छा रहें, पॉजिटिव सोचें, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। आप ये देखिए, सर के कॉलेज से टॉपर हुई लड़की, उसके 4 हाथ पैर नहीं थे, 2 ही हाथ थे, 2 पैर थे, 2 आँखें थी, सेम थी वो, लेकिन उसने टॉप कैसे किया? 499 मार्क्स, 600 नंबर में से 599 नंबर थे उस लड़की को, मैंने ही अपने हाथों से प्राइज दिलवाया था कॉलेज में आई थी। वो बहुत सीधी सादी, आप उसको एसेस भी नहीं कर सकते कि दिस इज द टॉपर ऑफ यूपी, वो बिल्कुल इतनी सीधी सादी लड़की, कुछ तो था उसमें ना अलग। तो वो चीज़ अलग, आप सब लोग देखिए वो कैसे होगी, जब बी पॉजिटिव रहोगे आप, अच्छा सोचोगे, एक फोकस रखोगे अपने जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है कि मुझे इस बार इतना बनना है, तो उतना नहीं तो कुछ तो आएगा ना। जब आप पहले सोचोगे ये नहीं है तो कुछ नहीं पाओगे। सबसे पहले अपना जो आपका उद्देश्य है उसको बिल्कुल अपने दिमाग में धारण करें, डिसिप्लिन रखें, टाइम टेबल से पढ़ें, छोटे छोटे की नोट्स तैयार करें,
और अपना क्वेश्चन आंसर वाले मेथड से आप पढ़ेंगे तो शायद अपने लक्ष्य में अच्छे से हासिल कर पाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। देखिए मैम ने कितनी खूबसूरत बात बच्चों आपके लिए बताई कि अर्जुन सा लक्ष्य आप अपना रखना है। अब सिर्फ वो ध्येय जो आपको रखना है कि मार्च या अप्रैल में जब आप बोर्ड परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं उसके प्रति ही सिर्फ आपको सोचना है, उसके प्रति ही आपको पूरी मेहनत से कार्य करना है। और जिस तरह से मैडम ने आपको बताया कि छोटे छोटे क्वेश्चन रूप्स में याद कीजिए, बड़े बड़े आंसर्स और थ्योरी लिखने का समय नहीं है, टू द पॉइंट है। अब मैं यही क्वेश्चन में सर क्या एड ऑन करना चाहेंगे, क्योंकि सर को तो तजुर्बा ज्यादा है ये चीज देखने का कि इनके बच्चे किस तरीके से लिखते हैं जिससे कि वो यूपी के टॉपर्स बनते हैं। क्या आप सर इसमें कुछ अपना एड ऑन करना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो विद्यावी ऐप की तरफ से जो आज आमंत्रित किया गया है डायरेक्टर सर और चेयरमैन साहब, उन सबको धन्यवाद या पूरे परिवार को। अभी जो मैडम ने बताया कि और सर ने भी, दो चीज इसमें जुड़ी हुई है, एक तो डरना नहीं है और एक जिज्ञासा। जैसे हम देहात से जुड़े हुए हैं बच्चों, सबसे पहले तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के रूप में आपको बताना चाहूँगा। एक ये भय होता है, जैसे कहते हैं ना भूत आया, देखा किसी ने है नहीं। जब सर्वप्रथम बच्चा 9th से 10th में बोर्ड एग्जाम के लिए जाता है तो उस पर एक माइंडली प्रेशर होता है। वो माइंडली प्रेशर क्या होता है, पास वाले का, जो निगेटिविटी रखता है। तो बोर्ड एग्जाम होंगे, पता नहीं कैसे होंगे, कैसे लिखा जाएगा, कैसी कॉपी होंगी, फ्लाइंग आ जाएगा, प्रेस्टिगेट ना हो जाए, तो इस तरह की चीटिंग ना पकड़ी जाए, तो इस तरह का जो माहौल बनता है उससे आप लोग जो है अपने माइंड को सेटअप नहीं दे पाते। तो सबसे पहले तो ये कोई बड़ा भूत नहीं है, एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, प्रिपेयर हो रहे हैं, उसी कंडीशन में टीचर्स आपको बता रहे हैं कि कहाँ क्या लिखना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो बहुत सारा एक्सप्लेन मैडम ने भी किया, डॉक्टर साहब ने भी किया, मैं इतना ही एक्सप्लेन करना चाहूँगा उसमें, किसी तरह से भी आप लोग जो है भय से भूत में मत जाइए, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। प्राइमरी से और 9th तक हम आए, एक माइंड प्रिपेयर का एग्जाम देना है, उसमें क्या रिलैक्सेशन रहता है कि भाई घर में ही तो एग्जाम देने, बस कॉलेज चेंज हुआ तो आपको डर लगा कि बोर्ड में पता नहीं क्या हो जाएगा ऐसा। तो ऐसी सिचुएशन जब आपके माइंड में रहेगी तो आपको डर लगेगा, और जब सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि बोर्ड हो या होम हो हमारी तैयारी है, तो आप अच्छे से उसको गेन कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो इसी बात को फॉलो करते हुए आप अपने मन से सबसे पहले माइंड अपना प्रिपेयर करें कि बोर्ड एग्जाम कोई स्पेशल एग्जाम नहीं है, जो हम एग्जाम देते हैं वही एग्जाम है, तो पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी आपको, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो ये आखिरी गुरु मंत्र आपके लिए है कि डरना नहीं है, डरने के बजाय आपको उसको अपनाना है, और अपनाने के साथ ही अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परीक्षाओं को देना है। तो पहला वो क्वेश्चन जो कि आप सब लोगों ने हमें लिखा था, मैं समझता हूं कि हमारे तीनों स्पीकर्स ने अपने अपने अनुभव के आधार पर जो अपने आपके उत्तर दिए हैं आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगला सवाल मैं मैम से पूछना चाहूंगा, मैम आप इस पर प्रकाश डालें क्योंकि आप खुद केमिस्ट्री की हैं, आपको लैब की महत्ता मालूम है। मैम क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी इस बार जो साइंस साइड के हैं अपनी लैब्स में जाके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। दो चीजें, एक चीज तो नंबर है कि नंबर लेकर आने हैं उनको जब अब प्रैक्टिकल इम्तिहान देना है, साल भर उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया है, वो नंबर कैसे ले पाए, और वो चीजें जो एक्सपेरिमेंट करके वो सीखते थे वो सीख कैसे पाए, ये दोनों चीजें, सीखना और नंबर आना, इसके बारे में आप साइंस साइड के स्टूडेंट्स के लिए क्या बता सकती हैं? मैं इसमें बताना चाहूंगी कि देखिए कोरोना की तो मेहरबानी है ही, जो कुछ हो रहा है पिछले साल से, ये साल ही मानिए पूरा मार्च से लेके अब तक, और अभी भी समय ऐसा है कि हम लोग श्योरिटी नहीं है कि कब तक, कोरोना का तो कुछ ही नहीं कि अभी इस समय तक कोई गाइस का है टाइम बाउंड, फिर भी काफ़ी लाइफ अपनी दोबारा पटरी पे आ चुकी सबकी, सब जानते हैं इस चीज़ को कि सर्विसिंग में भी, आप बिजनेस में भी, आप सब चीज़ों में लोग अपने इस डर को छोड़ के अपने मूव ऑन हो चुके हैं सब चीज़। और रही बात 19 अक्टूबर से हमारे यूपी बोर्ड के विद्यालय 9th, 10th, 11th, 12th, जो कि आपको पता है कि जो प्रैक्टिकल्स के से रिलेटेड होते हैं, 8th तक तो कोई ऐसा प्रैक्टिकल का मैटर नहीं होता, तो 19 अक्टूबर वैसे नॉर्मली भी देखा जाए तो हमारे स्कूल्स में इसी समय से सितंबर से ही प्रैक्टिकल्स होने शुरू होते थे। ऐसा नहीं था कि पूरे साल कोई प्रैक्टिकल कराता है, हम लोग भी जब पढ़ते थे तब भी प्रैक्टिकल, बेशक अब ख़त्म कम कर दिया है स्कूल वगैरह में, लेकिन तब भी होते वो सितंबर से ही स्टार्टिंग थी। तो अभी हमारे पास पूरा टाइम है प्रैक्टिकल्स का, ऐसा नहीं है। बात यह है
कि जैसे अब बच्चों को ये कह दिया कि आप बाउंड नहीं कर सकते कॉलेज आने के लिए, तो उसमें स्ट्रेंथ भी कम आ रही है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास खुद भी अपने विद्यालयों की तरफ से भी हमें करना पड़ेगा। हर विद्यालय में इतना स्पेस है कि अपने बच्चों को रेगुलर बुला सकें और उनको ऑल्टरनेट डेज में बुलाइए। प्रैक्टिकल तब भी ऑल्टरनेट डेज में पहले भी हुआ करते थे, डेली प्रैक्टिकल क्या समान ना प्रैक्टिकल की लैब बच्चों को नहीं दी जाती, तब भी ऑल्टरनेट दो दो दिन ही सबके नंबर आता था ग्रुप्स बना के। बस चेंज हमें क्या करना है, थोड़ा सा बच्चों को अवेयर करना है, बच्चों के साथ ज़्यादा समय देना है, और प्रैक्टिकल की संख्या जो हम लोग 20 या 22 कराते हैं, हम लोग 18 17 इस तरह से कराते हैं हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में, हमारा केमिस्ट्री में तो ज़्यादा पैटर्न रहता है, ऑर्गेनिक के अलग होते हैं, तो उसमें उनकी संख्या कम कर दी जाए, कम करके उन्हीं की प्रैक्टिस बार बार की जाए। ये ना हो कि कोरोना का बहाना लेके कि प्रैक्टिकल्स हुए ही नहीं, ऐसा नहीं है। समय अभी अक्टूबर से लेके आप देखिए दिसंबर है, प्रैक्टिकल अभी 1.5 महीना पूरा हमारे पास है, जिसमें आप डेली 5 ही प्रैक्टिकल कराइए, लेकिन उनको अच्छे से प्रैक्टिस में लाइए, जिससे कम से कम बच्चे ये जाने ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है। नंबर तो बहुत ईजी है, नंबर तो कोई भी एग्जामिनर आएंगे या प्रिंसिपल्स हैं सब टीचर्स हैं मिल जाएंगे, लेकिन बच्चा जो निकल गया 12th करके या 10th करके, वो वापस 10th और 12th में नहीं आएगा, उसका वो कोर्स मिसिंग हो जाएगा यदि हमने उसको ना बताया। यदि 10th के बच्चे को बीकर और ये सब चीज़ों का ना पता हुआ, 12th में आके वो पूछेगा, तो ये चीज़ बहुत गलत है। तो इतना उसे नॉलेज हो कि कोरोना तो एक तरफ है, लेकिन जो चीज़ें हैं आप 5 प्रैक्टिकल भी कराइए, लेकिन उनको इतना करा दीजिए बच्चा हर चीज़ से वाकिफ हो जाए कि प्रैक्टिकल क्या चीज़ होती है, कैसे क्या है, कौन सा सोल्यूशन क्या है, कैसे बनता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल ध्यान देना और एक इंटेंशन है। आप 2 की जगह 3 दिन कराइए प्रैक्टिकल, उसमें एक इतना टाइम आप तो इसमें टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, जो हमारे ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिसमें टीचर्स और बच्चे दोनों हैं। तो टीचर्स, पहली चीज अभी तक के डिस्कशन में आपके लिए जो आ रही है वो जिम्मेदारियां तो आपकी बहुत बड़ी हैं कोरोना में, क्योंकि आप विद्यालय में भी पढ़ा रहे हैं, आप ऑनलाइन का भी सीख भी रहे हैं और बच्चों को कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने की भी, तो उसमें प्रैक्टिकल्स भी कराने की जिम्मेदारी और उनको बच्चों को अवेयर कराने की जिम्मेदारी आपकी है, और यही मैडम का शायद इससे निष्कर्ष भी है। अभी दोनों लोगों का इसी बारे में व्यू बाद में लेंगे, पहले एक क्वेश्चन जो मैं सर से पूछना चाहूँगा वो ये है सर कि बच्चे ने ये लिखा है कि घर में अब सब लोग तैयारी कर रहे हैं, और जब घर में तैयारी कर रहे हैं तो वो कोशिश करते हैं अपना टाइम टेबल बनाने की, लेकिन वो टाइम टेबल बना के चिपका देते हैं, कर लेते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो क्या ऐसी ट्रिक्स और टिप्स आपकी हैं बच्चों के लिए कि वो घर में किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाए जो कि सार्थक भी हो और बच्चा फिर उसको फॉलो भी कर पाए। अधिकतर बच्चों का क्वेरी ये है कि हम बना तो लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो वो कैसे अपना टाइम टेबल बनाए कि जिसको वो फॉलो भी कर सके। नहीं सर, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, और ये मेरी पहली वाली बात से जुड़ती है जब मैंने कहा था कि लर्निंग का पहला चरण जो है वो जिज्ञासु होना है, और इसका दूसरा चरण, इसको मैं जोड़ता हूँ अभी, लर्निंग का दूसरा चरण है धैर्यवान होना, पेशेंस रखना। अगर आपने पेशेंस रखा, अभी आप में जिज्ञासा आई और अभी वो पूरी नहीं हो रही है, आज नहीं समझ पाए आप, कोई बात नहीं, आप धैर्य रखें, आपके पास अवसर भी आएंगे और आप सारी चीज़ें फिर समझेंगे, आज नहीं तो कल होगा। टीवी पे भी सर एक ऐड आता है रोहित सर, ये एक दिन में नहीं होगा, वो निकोटिक्स वाला ऐड है, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा। तो आप भी ये मान लीजिए कि जो आदतें हमारी पहले से थोड़ा सा आप खराब समझें कि हम फॉलो नहीं करते टाइम टेबल, लेकिन वो आप ये ज़रूर मान के चलें कि अगर वो आज फॉलो नहीं होगा, लेकिन बी स्ट्रिक्ट, आप अपने टाइम टेबल को ज़रूर ध्यान में रखें कि मैंने बनाया है, आई हैव टू फॉलो। अब घर के काम, लेकिन एक दिन हो सकता है आपका टाइम टेबल सफ़र कर जाए, घर वालों ने काम बता दिया क्योंकि आप उनके सामने ही हैं, और यू हैव टू पार्टिसिपेट इन योर फैमिली एक्टिविटीज़, उसमें भी आपको ज़रूर मदद करनी है। लेकिन जब आप टाइम टेबल बनाएं, आप बिल्कुल ऐसा रोल मॉडल टाइम टेबल ना बनाएं जो फॉलो ना हो, पहली बात तो ये। बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि आप उसमें अपने खेल की गुंजाइश पहले से ही रख लें कि आपको खेलना है, ज़रूर खेलना है। देखिए, पढ़ाई को तो मैं 4th नंबर पर लाऊँगा, आपको कहीं अगर सुबह ही थोड़ा बहुत योग रखना है तो अपने डेवलपमेंट में रखें ताकि आप फ्रेश अप रहें। अपने घर वालों के साथ समय बिताने का समय भी आप ज़रूर रख लें ताकि वो बीच बीच में आपको ये कहें कि सारे दिन तो मिला ही नहीं, चल आज बैठ जा 10 मिनट मेरे साथ ना, आप वो समय ज़रूर रखें अपनी हॉबीज के लिए। अपना अगर आपको टीवी देखना है, अगर आपका गाने गाने का मन है, तो वो समय भी आप निश्चित कर लें ताकि ये चीज़ें फिर बाद में जाके आपके टाइम टेबल को अफेक्ट ना करें। कंटिन्यूस टाइम टेबल रखने की ज़रूरत नहीं है कि 1 घंटे में ब्रेक जरूर लें, आधा पौना घंटे बाद ब्रेक लें, यू नीड टू बी फ्रेश, क्योंकि माइंड की कैपेसिटी है आप उसमें भर नहीं सकते। और एक एक समय के बाद आप लग रहेगा अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि ग्रास्पिंग पावर की एक लिमिटेशन होती है।
अब जो टाइम टेबल आपने बनाया उसके साथ आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि कल को ये पछतावा नहीं रहे, क्योंकि आज अगर आपने एक सब्जेक्ट छोड़ा या कुछ छोड़ा कल को वो डबल है, क्योंकि कल के टाइम में अगर आपने उसको कल को ज़्यादा एफर्ट देके पूरा नहीं किया तो फिर दो दिन का छूटेगा। तो प्लीज़ आप जो भी टाइम टेबल बनाएं पहले तो जो टारगेट है वो ऐसा रखें कि जो अचीव हो सके, मैनेजेबल हो। जो टाइम टेबल आपका आप 5 घंटे का की बजाय 4 घंटे का बना लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस 4 घंटे को आप फॉलो करें बिकॉज इट्स योर टाइम टेबल, किसी ने नहीं बनाया, आपने बनाया। और एकदम से ऐसा पहाड़ जैसा भी मत बना के रखिए जो आप ही ढह जाएं, उसका फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा बनाएं, आपको लग रहा है कि तो मैं इजीली कर सकता हूं, तो आप उसको 10 दिन बाद बढ़ा लें, आपका ही तो टाइम टेबल है। अभी आपके टाइम की सहूलियत, सुबह आप देर से उठते हैं या सुबह जल्दी उठते हैं, शाम को आप देर से सोते हैं या शाम को जल्दी सोते हैं। क्योंकि एक चीज़ और जो मैं टाइम टेबल में रखने जा रहा हूँ, आपके टाइम टेबल में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, क्योंकि आप यंग बच्चे हैं, उनको इतनी नींद चाहिए। अगर आपने नींद प्रॉपर ली है तो आपका टाइम टेबल भी प्रॉपर चलता रहेगा। दूसरी बात, खेल खेलने का मतलब और कहीं भी मेहनत करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने शरीर को इतना थका दें कि आप सोएं भी ज़्यादा और फिर सारे दिन आप थका थका फील करें। तो यू विल हैव टू मैनेज एवरीथिंग, जिसे मैं कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट। ये लर्निंग का तीसरा स्टेप है। आप में धैर्य तो है, अभी अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों जरूर करेंगे, आपने धैर्य रखा हुआ है। लेकिन यू विल हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, जिसमें आपके खाने का भी मैनेजमेंट होगा, आपके सोने का भी मैनेजमेंट होगा, आपके खेलने का भी मैनेजमेंट होगा, आपके योग का भी मैनेजमेंट होगा, फैमिली टाइम का भी मैनेजमेंट होगा, इवन आपकी हॉबीज़ का भी मैनेजमेंट होगा जिसे आप रख रहे हैं। तब आप सारी चीज़ें पैरेलल रख के एक इजीली अचीवेबल टाइम टेबल बनाएं और उसे 1 हफ्ता लागू करें। वो अगर टारगेट अचीव कर लेते हैं तो फिर उसे अगले हफ्ते थोड़ा सा आप बढ़ाएं। लेकिन आप हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम प्रतिदिन जरूर दें। एक रोहित सर ये धारणा बच्चों में है, लैंग्वेज तो आसानी से कर लेंगे, हिंदी तो है ये तो पढ़ लेंगे, नहीं। आप सबके लिए प्रॉपर बराबर टाइम रखें और सबसे ज़्यादा टाइम उसको दें जिस एरिया में आप वीक हैं। मैंने ये देखा है बच्चों, जिसमें आप बहुत ताकतवर होते हैं, जो आपको आता है उसी की प्रैक्टिस आप लगातार करते रहते हैं, आपको उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करनी है, प्रैक्टिस उसकी करनी है जिस एरिया में आप वीक हैं। तो उसको ज़्यादा टाइम देना है, उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, इवन लैंग्वेज को भी इक्वली टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जा कर के आप। और बहुत ज़्यादा डिमांड हम नहीं कर रहे हैं आपसे बच्चों, अगर आप मैक्सिमम 8 घंटे एक दिन में मैनेज कर पाए तो आपके बहुत सारे नंबर आएंगे। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। देखो जो सर ने बात बताई है उसमें ये 3 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो सर ने एक ऐड की बात की, वो ऐड वास्तव में बहुत ज्यादा एंकरेजिंग और मोटिवेटिंग है कि आज नहीं तो कल होगा, जरूर होगा। तो आपको जो अब देखना है वो ये देखना है कि जो समय सारणी, जो टाइम टेबल आप बनाते हैं, उसमें आप उन्हीं चीजों को किस तरह से सम्मिलित करते हैं कि आप उसको पूरा कर पाए। आपको आपके टीचर्स घर पे देखने नहीं आ रहे हैं, आपके प्रिंसिपल्स घर पे देखने नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप खुद अब इतने बड़े हो गए हैं कि ये देख सकें कि जो आपने बनाया है, जो आपने लिखा है अपने लिए, आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और जैसे सर ने बताया, जो आपके हर सब्जेक्ट 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, लेकिन ताकत सब में बनती है। इसी तरह से 5 सब्जेक्ट्स में नंबर आने बहुत जरूरी है, लेकिन हर सब्जेक्ट की डिफिकल्टी एरियाज अलग अलग है। जो वास्तव में ज्यादा डिफिकल्ट आपको लगता है उसकी प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, जो थोड़ा कम आसान लगता है पढ़िए उसको भी जरूर, हो सकता है कि उसकी प्रैक्टिस थोड़ा आप करें। और अब जिस सवाल को लेकर मैं उपेंद्र सर के पास आ रहा हूं, उस सबका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है। सर, आपको एड्रेस करना है दोनों ऑडियंस को। टीचर्स के लिए आप कहकर 1, 2, 3 इन 3 महीनों के अंदर, जनवरी, फरवरी और मार्च जो इम्तिहान में बचे हैं, टीचर्स की भूमिका क्या रहनी चाहिए 10वीं 12वीं के अपने विद्यार्थियों के लिए, और विद्यार्थियों की भूमिका क्या रहनी चाहिए इन 3 महीनों में, 10वीं और 12वीं के, सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च में, आखिरी वो गुरु मंथ की वो एकदम ब्रह्मास्त्र लगे और दोनों लोग अपनी अपनी भूमिकाओं को पूरा करके बढ़िया से अंक लेकर आए। जो मेरे शिक्षक साथी हैं, सबसे पहला मोटिवेशन, उनसे मेरा अनुरोध ये है कि जो अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम, जैसा कि अभी हमारी वार्ता हो रही थी डॉक्टर साहब से, कि अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास टाइम भी है। और उनका सबसे बड़ा मंत्र है कि जो ऑनलाइन हमने कोर्स दिया, बच्चों ने भी लिया, उसमें कुछ ने लिया, कुछ ने नहीं लिया, जैसा कि मैडम ने बताया कि अक्टूबर से खुल भी गए हैं,
तो उस स्थिति में बच्चे आ भी रहे हैं और जो नहीं आ रहे और जो आ रहे हैं, दोनों के लिए सबसे बड़ा प्रोसीजर मेरे जो शिक्षक गण हैं उनसे एक सबसे बड़ा अनुरोध है कि जो हमने बच्चों को दिया उसे प्रॉपर वे में, क्योंकि सिलेबस भी कम हो गया है, प्रॉपर वे में जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट है, क्योंकि जो शिक्षक साथी हैं सभी क्वालिफाइड है, लंबा एक्सपीरियंस है, तो वे उसमें वे चीज़ें एडजस्ट करके एज ए प्री बोर्ड बच्चों को प्रोवाइड करें कि जिससे उनमें जो क्वालिटी है, जो समय हमारा पीछे बैक हो गया उसको हम प्रोवाइड कर पाए और बच्चे उन चीज़ों को फॉलो करें जिससे कि जो प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड का एक सबका सिस्टम अलग होता है। क्या सिस्टम होता है, जैसे मेरा अपने यहाँ सिस्टम है कि मैं एक सब्जेक्ट के कम से कम 5 या 6 पेपर कराता हूँ और टॉपिक वाइज या लेसन वाइज उनमें दोनों ऐड होते हैं। जैसे हमारे आप फिजिक्स में ले लीजिए कि 10 लेसन है, हम क्या करते हैं कोई पेपर हम प्री बोर्ड बनाएंगे तो 3 लेसन का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। उसमें क्या कि बच्चे की जो क्वालिटी है टीचर्स की वो बोर्ड के हिसाब से उसको एडजस्ट कर देता है, तो उसमें बर्डन नहीं बढ़ता बच्चे पे। हमने 15 चैप्टर बच्चे को एक साथ दिए, 10 दिए, तो टीचर्स भी उसमें गेन नहीं कर पाता कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा प्रायोरिटी पे होना चाहिए और बच्चा भी उसको फॉलो नहीं कर पाता। तो कम से कम मेरा अपने शिक्षक साथियों से निवेदन भी है कि बच्चे का जो समय निकला है और आगे जो हमारे पास समय है वो प्री बोर्ड एक सब्जेक्ट के 3 या 4 के हिसाब से बच्चों को व्हाट्सअप के माध्यम से, गूगल मीटिंग के माध्यम से या जो प्रेजेंट हो रहे हैं उन्हें पेपर कराएं, जिससे कि उनकी क्वालिटी एडजस्ट हो जाए। बच्चे उस चीज़ को फॉलो करें, उसको फॉलो करेंगे तो मार्क्स निश्चित रूप से आपके सामने होंगे, कोई नहीं रोक सकता। प्री बोर्ड का एक अपना अलग प्रभाव होता है। प्री बोर्ड मीन्स होता है बच्चे का स्टेटस जहाँ से उसे ऊपर उठाना। प्री बोर्ड का मतलब यह नहीं कि हमने पूरे सब्जेक्ट का ही पेपर करा दिया और हमने अपने हाथ से पल्ला झाड़ लिया कि हमने तो प्री बोर्ड कराए हो गया जी, जिसका जो आया उसको छोड़ दिया। फिर उनके कॉपियों को, क्योंकि थोड़ा बर्डन बढ़ता है और उस बर्डन में हम कभी हमारे शिक्षक साथी अपने घरेलू वर्क में भी जुड़ जाते हैं, तो शिक्षक साथियों सबसे बड़ा निवेदन यह है कि जो पिछला समय वेस्ट हुआ अगले समय उसको एडजस्ट करते हुए, बच्चों को समय देते हुए उनकी कॉपियों की चेकिंग, भले ही वो ऑनलाइन या फ्रंट टू फ्रंट, बच्चा भी स्कूल जा करके प्री बोर्ड दिया उसने उसको लिखे और बगैर चीटिंग। वो तो क्या है, हमने बच्चों को पेपर भेज दिया, दूसरे से ले लिया उसको कर दिया, वो उनके लिए ही नुकसान है उसमें, क्योंकि जो आज ऑनलाइन व्यवस्था चली है उसमें फेस टू फेस तो है नहीं, उसमें केवल फेथ किया जा सकता है और फेथ करने का माध्यम क्या है कि वो आपके लिए बेटर रहेगा और ये हम और आप दोनों ही मिलकर कर पाएंगे। तो शिक्षक साथियों प्री बोर्ड के माध्यम से मेरे शिक्षक सभी साथी और सभी स्टूडेंट्स उनको प्लानिंग करते हुए आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करोगे और किसी तरह का भय मन में नहीं रहेगा क्योंकि एग्जाम तो आप ऑलरेडी दे रहे हैं। तो यही सब निवेदन है बच्चों से भी, शिक्षक साथियों से भी, जो प्री बोर्ड की तैयारी आप ज़्यादा से ज़्यादा करें और उसमें जो कमियां हैं मेरे शिक्षक साथी बच्चे को फ़ोन से, व्हाट्सएप से या सामने बुला करके कॉल कर करके उनकी गलतियों को दूर करें, तो ये हमारा एक दायित्व भी बनता है इस कोरोना महामारी में। और मैं अपेक्षा भी करता हूँ कि इस चीज़ के लिए मेरे शिक्षक साथी मेरी बात का अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखिए ये ब्रह्मास्त्र आपको ये बताने के लिए बाध्य कर रहा है मुझे एक बार फिर कि ये जो टेस्ट सीरीज हैं, प्री बोर्ड का लेना, इम्तिहान का लेना, वास्तविक में लेना ही आपको प्रयासरत रखेगा अच्छे अंक लाने के लिए, जिसके अंदर टीचर्स आपको चाहे वो चैप्टर वाइज एग्जाम कराएं, चाहे वो आपको पूरे सिलेबस का कराएं या सिलेबस को बांट बांट के कराएं, पर इम्तिहान लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो प्री बोर्ड आप जरूर दें, आप विद्यालयों में जाएं, अगर विद्यालयों ने व्यवस्था की है आप लोगों के यहाँ पर, आप तमाम यूपी के, मुझे आजमगढ़ से लेके बनारस से लेके सब बच्चे सुन रहे हैं, अगर आपके विद्यालय ने ये तैयारी कर रखी है कि आप लोग वहां पर जाकर अपने प्री बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं तो आप जरूर दें। हमारी ई विद्या ऐप पर भी अगर आप लोग YouTube के माध्यम से हम लोगों की क्लासेस अटेंड कर ही रहे हैं, अगर आपने ऐप भी डाउनलोड करी है तो आप देखेंगे वहां पर कि हर सब्जेक्ट के 13 मॉडल पेपर्स आपको उपलब्ध हैं। एक एक मॉडल पेपर के अंदर तमाम वो सवाल हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है इस बार 2021 के इम्तिहान में पूछने की, उसके आंसर कि अगर वो बहुविकल्पीय टाइप में आ रहा है तो कितना लिखना है, अगर वो लघु में आ रहा है तो कितना लिखना है, अगर वो बड़े क्वेश्चंस के फॉर्म में आ रहा है तो कितना लिखना है, पूरी तरीके की व्यवस्था आप लोगों के लिए बनाई गई है, आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। और हम लोग जानने के लिए अब सर के पास चलेंगे कि सर ऐड ऑन करना है इसमें जी।
रोहित सर आपने बताया 13 मॉडल पेपर आपने बनाए हैं, दैट्स ग्रेट। मुझे लगता है एक बार दो शब्द थे, प्रतिस्पर्धा और अनुस्पर्धा। पहला मॉडल पेपर करने के बाद मेरी प्रतिस्पर्धा किसी और के साथ है नहीं, मुझे तो अपना देखना है कि मैंने पहले में कितना किया था, अभी मैं दूसरे पे मूव कर रहा हूँ, दूसरे में मैंने कितना किया और पहले वाले का मुझे कितना फायदा दूसरे में मिल रहा है। फिर जब आप तीसरा करेंगे और जैसे ही आप 13वें पे पहुँचते हैं, आपको ये लगता है ये तो केक पे वॉक करने वाली बात है, बहुत इजी केक है, आराम से कटेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर आप अनुस्पर्धा करते हैं तो दूसरे ने कितना किया उस पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी कैपेसिटी कितनी है वो जाने, लेकिन आपको करनी है अपने आप से अपनी तुलना अनुस्पर्धा करके। आप एक एक मॉडल टेस्ट पेपर को अगर 13 को भी आत्मसात कर लेते हैं, आई थिंक दैट विल बी ओके। टीचर्स के लिए भी यही बात है, जब भी कोई दीर्घ उत्तर प्रश्न की बात है वो माइंड मैप्स बनाएं। इवन इंफोग्राफिक्स एक नया चलन है, उसका एक इंफोग्राफिक्स बना के उन बच्चों के सामने दें, केवल एक पूरा इतना बड़ा सवाल एक छोटे से चित्र में इंफोग्राफिक्स के जरिए सामने आ जाएगा। आई थिंक आप बहुत इजीली उसे कर पाएंगे बच्चों, बहुत मजा आएगा आपको भी, इवन टीचर्स आपको भी बहुत मजा आएगा कि हमने बच्चों को सब कुछ करा दिया। बहुत बढ़िया सर। मैडम आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगी बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए? नहीं, 3 महीने को फोकस जैसे करते हुए सर ने कहा, उपेंद्र सर ने भी और डॉक्टर साहब ने भी, कि वही कि पूरा बड़ा जैसे दीर्घ उत्तरीय में पूरा बना के, जैसे अब हम साइंस को ही लें कि हर्ट क्रियाविधि कैसे, हर्ट की संरचना होती है कैसे, वर्किंग होती है हर्ट की, पंपिंग कैसे होती है, कितना बड़ा है वो, उसमें वर्किंग कितना, कैसे उसको यहाँ से आया वहाँ से आया। नहीं, हमें क्या, हम पहले होता था जैसे चार्ट पेपर पे हर्ट का वो रखा गया और उसको, आजकल तो कितनी कितनी चीज़ें हो गई हैं ऑनलाइन, पूरी हर्ट की पंपिंग दिखाते हैं कि यहाँ से निकल रहा है ब्लड, यहाँ से आ रहा है ब्लड, ये आपकी वेंस हैं, ये आपकी आर्टरीज हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वही इन्फोग्राफिक्स का जो बताया कि उस चीज़ को कम चीज़ में समेटें, आप एक बार किसी बच्चे को ये पूरी क्रियाविधि दिखा दें तो बच्चा अपने आप ही लिख लेगा कि ये महाधमनी, ये पल्मोनरी, ये वो, ये नाम रटे और कि ये कहाँ से आई, ये कहाँ से आई। तो वही छोटी छोटी चीज़ें को असेंबल करके बड़ा याद करना आसान होता है, पूरे बड़े को याद करने के कंपैरेटिव। तो यही चीज़ें हैं कि अति लघु काफ़ी छोटे क्वेश्चंस हो गए, लेकिन आप जब लघु याद करोगे, लघु क्वेश्चंस याद करोगे जो 5 या 6 लाइन का होता है हमारे, उसमें उनको 5 भी क्वेश्चन आपने याद करोगे तो एक दीर्घ उत्तरीय तो अपने आप बन गया। या आपने डायरेक्ट आप दीर्घ उत्तरीय याद करोगे, साइंस में तो बड़ा मुश्किल होता है याद करना किसी चीज़ को, रटना, क्योंकि डायग्रामेटिक होती है सब चीज़ें। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को याद करें, छोटे छोटे क्वेश्चन से आप अपनी तैयारी करें। और वही बात कि आगे कैसे तैयारी 3 महीने में करनी है, बिल्कुल जस्ट लाइक दिस, कि एग्जामिनेशन को इस तरह से बंटवारा किया जाए अपने सिलेबस का कि आपने मासिक टेस्ट, जैसे हमारे यहाँ होते हैं कि हर महीने आपको मासिक टेस्ट देने हैं, तो इस बार तो थोड़ा सा कम ही रहे, 2-3 महीने हमारे खराब हो चुके हैं। तो आप जो 1 महीने में मासिक टेस्ट दे रहे थे सब बच्चों को ना लेके 10-12 के बच्चों पे ही इंटेंशन दे ज़्यादा, और आप अपने 15 दिन में कराएं, 15 दिन में 3 चैप्टर का, 15 दिन में 3 चैप्टर का, इस तरह से। अब क्योंकि कोर्स जो हुआ है 30% जो लेस हुआ है, उसमें चैप्टर्स कम नहीं करे उन्होंने, उन्होंने चैप्टर्स के अंदर के जो सब टॉपिक्स थे वो कम कर दिए। जैसे एक टॉपिक में 5 या 6 सब टॉपिक्स हैं, वो 3 काट दिए उन्होंने, और उसमें भी वो जो टिपिकल थे वो कट गए, जैसे जनरल चीज़ें हैं वो ही रह गई अब। तो वो 3-3 चैप्टर का आप 15-15 दिन का ले लेंगे, फिर आप 2 मासिक टेस्ट लेके आपने फर्स्ट प्री बोर्ड करा दिए, दैट्स इनफ। फिर आपने 3 टेस्ट, तो आपका कोर्स तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। और 100% मार्क्स लाने के लिए भी 100% कोर्स की ज़रूरत नहीं होती, आपने 70 या 80% कोर्स भी बहुत अच्छे से तैयार कर दिया तो आप टॉपर की श्रेणी में आ जाओगे। देखिए कितनी खूबसूरत बात मैम ने बताई है, और अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आपको लगा होगा कि हाँ, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्स को इतना हवा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आपको एक चीज़ बता दूं कि अधिकतर परिस्थितियाँ एक इंसान को 3 तरीके का रिएक्शन देने पर मजबूर करती हैं। अगर वो परिस्थितियाँ थोड़ी लिंक से हटकर हैं, डिफिकल्ट हैं, कठिन हैं, तो एक इंसान कहेगा कि उसके कॉज के बारे में बात करेगा, और वो उसको सिर्फ गरियाता रहेगा, कहता रहेगा सब कोरोना ने गड़बड़ कर दिया, नंबर इसलिए नहीं आए कि इस बार पढ़ाई नहीं हुई, वगैरह वगैरह। वो व्यक्ति जिसको ये लगेगा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो कहेगा ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है। तो पहला रिएक्शन क्या कि आपको परिस्थितियों को निंदा करना, उनके बारे में ये बात जिक्र करना कि इसके वजह से सब गड़बड़ हो गया।
एक रिएक्शन क्या हुआ कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो तीसरा रिएक्शन है वो आपका होना चाहिए, वो ये कि उसके अंदर से रे ऑफ होप आप निकालें कि अगर विषम परिस्थितियां भी हैं तो हम लोग किस तरीके से उसके अंदर अपने फायदे की चीजें देखें। और आज मेरे तीनों स्पीकर्स ने आपको वही चीज बताई है कि किस तरीके से आप इन परिस्थितियों के अंदर भी बात कर सकते हैं। जो डॉक्टर सचवीर ने और जो डॉक्टर मैम ने बताया आपको कि किस तरीके से इंफोग्राफिक्स तरीके से आप पूरे चैप्टर को कर सकते हैं। ई विद्या का मैं एक बार और बता दूं, ये इसलिए नहीं कि मैं इस मंच पे बैठा हूं, ये इसलिए क्योंकि वो आप ही के लिए बनाया गया है और इन एक्सपर्ट्स जैसे नहीं उसको बनाया है। हम लोगों ने प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट मैप दिए हैं, आपको नॉलेज बूस्टर्स दिए हैं इंफोग्राफिक के फॉर्म में। एक ही कागज के अंदर आप पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये सब करना आपको होगा, और करेंगे कब, जब जब आप ये मान लें कि अब आपको करना ही है और कोई अल्टरनेट नहीं, तो वही होगा। अब आखिरी प्रश्न पच के आज के कार्यक्रम को हम लोग खत्म करेंगे। आखिरी प्रश्न मेरा आप लोगों से है, जिसका बहुत रैपिड फायर की तरह मैं छोटा छोटा आंसर चाहूंगा। हमारी सबकी जिंदगी के अंदर अब डिजिटल लर्निंग, ऑन लर्निंग आ गई है, क्या जब ये कोरोना चला जाएगा क्या ये ऑनलाइन लर्निंग हम लोगों के विद्यालयों की, टीचर्स के और स्टूडेंट्स के जीवन में एज इट इज बनी रहेगी, बढ़ेगी या फिर खत्म हो जाएगी? मैडम आपसे शुरू करेंगे, सर पे खत्म करेंगे। जैसा कि आपने कहा, दिस इज अ पॉजिटिव, कोरोना की पॉजिटिव देन कि सबको ऑनलाइन कर दिया। जो लोग मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए या मूवीज या सब चीज़ों के लिए करते थे, आज पढ़ाई के लिए यूज़ हो रहा है मोबाइल। पेरेंट्स भी बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, हम लोग स्कूल से भी हम लोग बच्चों को काफ़ी कर रहे हैं, तो ये पढ़ाई की मांग हो गया, तो नेचुरली एक आदत बन चुकी अब सबकी। तो जब ये चीज़ें चला जाएगा कोरोना, तो वापस हम लोग आएंगे, लेकिन फिर हम ऑनलाइन हमेशा रहेंगे। अब हम इतना अच्छा हो गया कि सारे बच्चे हमारे क्लास के हमारे ऑनलाइन ग्रुप्स बने हुए हैं 6 से लेकर 12 तक, और हमें कोई भी सूचना डालनी होती है तो जस्ट क्लिक करके बच्चों को डाल दिया गया। नहीं तो छुट्टी की सूचना भी बड़ी मुश्किल होती थी, आधे बच्चे जैसे अब एबसेंट रहते बच्चे, अब 80% प्रेजेंस रहती है, 20% एबसेंट है, तो पता लगा अगले दिन छुट्टी है तो बच्चे 20 वाले स्कूल आ गए, मैम स्कूल आज, तो वो पता लग रहा है स्कूल बच्चे गेट के बाहर खड़े हुए हैं। तो अब कोई दिक्कत नहीं होती, बच्चों को बताया जाए ना बताया जाए, रात में भी क्लिक करके डालो कल की छुट्टी है कोई भी आपके लिए मान लो किसी से, तो बड़ा अच्छा रिएक्शन आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये हिस्सा रहेगा स्कूल्स के लिए, तो बहुत ही अच्छी हो गई है और आगे बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो कोर्स ऐसा भी कोर्स होता है, बहुत सी चीजें कि चैप्टर्स इतने होते हैं कि यदि मैं एक ही चैप्टर को यदि केमिस्ट्री में एक्सप्लेन करने लगूं या बायो में तो बहुत लेंथी हो जाता है, तो बहुत से चैप्टर ज्यादा उसमें इंटेंशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती उसको पढ़ाने की भी, तो उस चीज को हम पार्ट को ऑनलाइन डाल दें कोर्स को। तो इसको यदि हम अपने आगे भी अपने रूटीन में रखेंगे, ऑनलाइन भी डालो और वैसे भी पढ़ाओ, तो बच्चे दोनों तरफ से करके बच्चों के लिए बहुत लाभ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रहने वाला है आपके लिए, और आगे गवर्नमेंट भी कर रही है हर स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस को। मेरे कॉलेज है स्मार्ट स्कूल, पूरे हर में प्रोजेक्टर्स वगैरह से पढ़ाई होती है मेरे यहाँ, लेकिन हर स्कूल को दे रहे हैं वो लोग, प्राइमरी स्कूल्स के लिए भी स्मार्ट स्कूल का प्रोविजन रखा, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से होनी है प्राइमरी से। जब वो बच्चा 6th class करके या 8th class करके हमारे स्कूल में आता है तो डम होता है बिल्कुल, बहुत से बच्चे तो लिखना भी नहीं जानते, तो प्राइमरी स्कूल्स की स्थिति काफी दयनीय हो जाती है काफी उसमें, तो पहले वहाँ पे स्मार्ट स्कूल बने। जब बच्चा वहाँ से बिल्कुल रिफ्रेश होकर आएगा स्कूल में, अच्छे स्कूल में आगे आके और वैसे ही एनवायरमेंट उसे मिलेगा, तो शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप जानेंगे कि कैसे आगे को तरक्की के लिए ये जरूरी है। डॉक्टर सतवीर आपका क्या है? टेक्नोलॉजी सकारात्मक रूप में मदद करेगी शिक्षक की, शिक्षक को रिवाइंड करना मुश्किल है। क्लास में देख लीजिए, अभी एक लाइन को कहें सर दोबारा बता दीजिए तो शायद हूबहू नहीं बता पाए, लेकिन टेक्नोलॉजी मदद करेगी उसी तरह को, उसी बात को रिवाइंड करके देखने के लिए। हो सकता है ई विद्या से आपके द्वारा प्रसारित किए गए जो लेक्चर हैं, जो क्लासेस हैं, उनको बच्चा दोबारा से रिवाइंड करके उसी यूट्यूब लिंक पे जाए और देख ले, आज मुझे मिस हो गया तो मैंने देख लिया, आज मैं स्कूल नहीं जा पाया तो वो क्लासेज मैं हूबहू नहीं सुन सकता। शायद टेक्नोलॉजी का ये एक बेहतर प्रयास रहेगा कि आपने जो एक महीने में जो क्लासेज आप डिलीवर कर रहे हैं उनको मैं अगले महीने देख पाऊँ, शायद मैं नहीं था स्थिति में देखने की, तो आप मुझे शायद ई विद्या के ऐप के जरिए वो माध्यम कराएं कि मैं उन्हें दोबारा से देख सकूं। तो शायद टेक्नोलॉजी का ये एक महत्वपूर्ण प्रयास होता है कि मैं रुकूं, पॉज भी लेकर के देख सकता हूं, रिवाइंड कर सकता हूं। टीचर्स को पॉज देना मुश्किल होता है, उनकी कैसेट कई बार चलती जाती है और लेकिन 50 बच्चों के हिसाब से रुकती भी नहीं है, लेकिन मैं अकेला देख रहा हूं, मुझे अपनी मर्जी से उसे पॉज करना है, मुझे अपनी मर्जी से नोट्स बनाने हैं, मुझे अपनी मर्जी से समझना है। तो टेक्नोलॉजी का और ये जो अपना ई लर्निंग का है ये बहुत सपोर्ट करने वाला है आने वाले सिस्टम में सर। चलिए बहुत बढ़िया सर, आप और इसमें बताइए। देखो सर, ये तो
अब इम्पॉसिबल है कि हम पीछे हट जाएंगे, पॉसिबिलिटी बड़ी है और इसकी मांग भी है, तो कंटिन्यूसली रहेगा जी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं सीख पा रहा था, सबसे बड़ी बात कोरोना ने एक वो दी है, जहाँ बच्चा क्षेत्र में देहात में जुड़ा हुआ था कि मोबाइल नहीं चलाना जान रहा या घर वाले प्रोवाइड नहीं करा रहे जी, तो इस माध्यम से ऑनलाइन क्लास हुई, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वो बच्चा भी सीख गया, भले ही उसने दूसरे साथी से सीखा है, क्योंकि देहात में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, सबसे पहली पॉकेट होती है, दूसरा बच्चा जो है वहाँ इतना जुड़ नहीं पाता, तो इसलिए इसका पॉसिबिलिटी तो 100% है। और आगे आने वाले टाइम में भी अभी सर ने बताया कि उसको रोक कर देख लिया जाता है, जैसे ऑनलाइन क्लासें चली, कुछ बच्चे जो नहीं जुड़े बाद में जुड़े, मैं आपका अपना ही सिस्टम बता दूँ स्कूल का, कि हमने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी थी अप्रैल में, जब ये कंडीशन आई कि पता नहीं कब क्या स्थिति बनेगी, तो उसमें एक महीना में उनको सेटलमेंट करने में लगा, फिर कुछ बच्चों जुड़े 50% 70% के करीब बाद में जुड़े जिनके पास मोबाइल नहीं था, लेकिन क्लास ऑनलाइन थी तो उनको उन्होंने लिया, उसका बेनिफिट मिला। तो कंडीशन क्या हुई कि जो बच्चा नहीं सीख पा रहा था वो भी आगे बढ़ गया, और आने वाला टाइम ई लर्निंग का है। जैसा कि अभी हमारा जो है वार्ता हो रहा था यहाँ बैठने से पहले डायरेक्टर साहब के साथ, कि जो इन्होंने सीखा उसको आज अप्लाई किया, ये बेहद एक सराहनीय काम है विद्या ई ऐप के लिए। मैं बहुत बहुत इसमें धन्यवाद जो है डायरेक्टर साहब को देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना जो बाहर विदेश में शिक्षा ली उसको आज अप्लाई किया और इन बच्चों को मुफ्त जो शिक्षा दी जा रही है, एक सराहनीय काम है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो सभी स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि उनके जवाब मिल गए होंगे जो कि आपने प्रश्न हमें भेजे थे। बस अब आपके लिए और समय रुकने का नहीं है, चलते जाइए, पढ़ते जाइए। अगर आप ई विद्या के ऊपर हैं तो आपने वो सब लेक्चर्स देखे होंगे, जैसे सर ने बताया कि सेल्फ पेस आप लर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके कुछ छूट गए हैं लेक्चर्स, क्लासेस छूट गई हैं, पीछे जाके उन्हें दोबारा देखें, जब मर्जी देखें, सुबह टाइम मिले सुबह पढ़ें, दोपहर टाइम मिले दोपहर मिले, रात को टाइम मिले तो रात को पढ़ें। लर्निंग और ई लर्निंग अब आपस में कनेक्ट होकर चलेंगे। तो मंत्र सर रहता है जी, मैंने तीन आपको बताए बच्चों, पहला हम कह रहे थे कि हम जिज्ञासु बनेंगे, फिर धैर्यवान रहेंगे और साथ में प्रबंधन करेंगे अपनी चीज़ों का, और जो चौथा लास्ट है हम फोकस्ड जरूर रहेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चों के साथ वो थोड़ा सा डांस करेंगे, थोड़ा सा गाना गाएंगे, थोड़ा सा खेलेंगे, थोड़ी सी ड्राइंग करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा करके बड़ा मुश्किल होता है सब कुछ, थोड़ा थोड़ा नहीं करना है। यू मस्ट बी फोकस्ड ऑन योर सब्जेक्ट, ऑन योर टॉपिक्स, जो भी करना है वो पूरे मन से और पूरा करना है, थोड़ा थोड़े से काम नहीं चलने वाला है, तो आप पूरा करिए तब आपको ज्यादा मजा आएगा। द जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन विल नोट मोर वर्क। अब सिर्फ बोर्ड को फोकस करते हुए अच्छी तैयारी कीजिए। आज के कार्यक्रम को अब हम लोग समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं, और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से कि वो आए और हमारे अतिथियों का सम्मान करें। हम लोगों के यहाँ पे विद्या प्रकाशन के अंदर एक कल्चर है, वो कल्चर ये है कि हम अपने गेस्ट का एक ग्रीन सैपलिंग देकर स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब मैम प्रीति को सबसे पहले ये एक नन्हा पौधा देकर सबके स्कूल में स्वागत कर रहे हैं। स्कूल में बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और मैडम आपके उधर लगे और अच्छे वृक्ष के रूप में आगे बढ़े। डॉक्टर सतवी सर, रोहित जी नाम बताना पड़ेगा जी, ये बायोलॉजी हॉर्टिकल्चर वाले डॉक्टर से मैं पूछता हूँ। मैं जिज्ञासु हूँ ना, मैं जिज्ञासु लर्नर हूँ, तो मुझे नाम तो चाहिए। ये जिज्ञासु वाले कल्चर जो है उधर है, हाँ फ्लावर्स आएंगे आई नो, बढ़िया सर। अब मैं सर आपसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप